बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज सुबह से ही बच्चे अपने अपने विद्यालयों की तरफ जाने के लिए बेहद उत्सुक दिखे, वहीं पेरेंट्स भी अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाते दिख रहे हैं। दरअसल रामनवमी पर सासाराम में हुए हिंसा के बाद एहतियातन एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा सासाराम सदर के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय शिक्षण संस्थानों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद से आज 5 अप्रैल को पुनः सासाराम सदर इलाके के सभी विद्यालयों को खोल दिया गया है। स्कूल का क्या कारण है आप लोगों का? हाँ, रामनवमी के बाद वो झड़प थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद स्कूल बंद हो गया था, मगर अभी सब शांति माहौल है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, सभी लोग जा रहे हैं। हर एक स्कूल खुला, वो केवल सासाराम का ही बंद था। सासाराम का अगल बगल का तो सब खुला ही था। आज से खुल गया वो भी? हाँ, वो भी खुल गया आज से। फिलहाल अब सासाराम में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। सासाराम के अलावा हिंसा वाले इलाके में भी सभी दुकानें खुल रही हैं और आम जनजीवन अब पटरी पर उतरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुरक्षा एवं अफवाहों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अभी भी रोहतास जिले में इंटरनेट सेवा बाधित रखी गई है। वहीं रोहतास पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए समस्त नागरिकों धर्मगुरुओं के साथ सासाराम के सभी इलाकों में सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स के द्वारा SP और DM के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पंजाब के CTV के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।